तो कैसे क्राइम थ्रिलर मूवी हिंदी डब में आई है जिसका नाम है जस्टिस। इसे देखने के लिए आपको लगभग लगभग 2 घंटे का समय देना पड़ता है और इसकी हिंदी डबिंग फर्स्ट क्लास की गई है। सुनने में मजा आ जाएगा और चाहे तो आप इसे फैमिली के साथ देख सकते हैं, कुछ भी गंदा नहीं है। कहानी के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ जिससे आपको आइडिया तो हो कि कहानी आखिरकार कहना क्या चाहती है। तो गाइस फिल्म के शुरुआत में एक बैंक को दिखाया गया है जहां पर रॉबरी होता है और वहां पर 3 महिलाओं को मार दिया जाता है। तो एक डिटेक्टिव को अपॉइंट किया जाता है कि कातिल को किसी भी कीमत में पकड़ना है, वह भी 2 हफ्ते के अंदर। आप पूछेंगे 2 हफ्ता का एंगल क्या है? जब आप फिल्म को देख लेंगे तो 2 हफ्ता का एंगल आपको पता चल जाएगा। तो क्या वह डिटेक्टिव पता लगा पाता है या नहीं लगा पाता है, इस बीच उसे किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, यह सब जानने के लिए तो आपको यह फिल्म को देखना पड़ता है। तो गाइस यदि आपको स्लो पेस क्राइम थ्रिलर मूवी देखना बहुत ज्यादा पसंद है तो ये आपकी एक अच्छी चॉइस हो सकती है। जिस तरह से मेकर्स ने इस फिल्म को बनाया है, जिस तरह से इसमें इन्वेस्टिगेशन को दिखाया गया है, खोजबीन को दिखाया गया है, तलाश को दिखाया गया है, वो सब देखने में अच्छा लगता है। उसके कारण आप फिल्म से हुक रहते हैं और फिल्म आपको पसंद आती है। पर फिर से मैं कहूंगा बीच बीच में फिल्म बोरिंग हो जाती है और फिल्म स्लो पेस है। यदि आपको स्लो पेस क्राइम थ्रिलर मूवी देखना पसंद है जिसमें अच्छा स्टोरी लाइन हो, आप स्टोरी लाइन की वजह से कोई फिल्म देखना चाहते हैं तो यह फिल्म को देख सकते हैं। पर यदि आपको एक्शन मास मसाला मूवी देखना है तो मैं आपके सामने हाथ जोड़ रहा हूं, इस फिल्म से दूर रहिए क्योंकि आप इस टाइप का ऑडियंस नहीं है कि आपको यह फिल्म पसंद आएगी। यदि आपको स्लो पेस क्राइम थ्रिलर मूवी देखना पसंद है तो ही आपको फिल्म पसंद आएगी और आप इस फिल्म को देखकर इंजॉय करेंगे। परफॉर्मेंस की बात को तो सभी ने बहुत ही अच्छी एक्टिंग की है, खासकर डिटेक्टिव ने बहुत ही बढ़िया एक्टिंग की है उसने। प्रोडक्शन क्वालिटी भी आपको बहुत ही बढ़िया देखने को मिलता है, मस्त सिनेमेटोग्राफी। उसके बाद फिल्म को बहुत ही खूबसूरत से शूट किया गया है, बीजीएम सब आपको अच्छा सुनने को मिलता है। और हाँ, इसमें आपको एक्शन एक्शन देखने को नहीं मिलता है, थोड़ा बहुत देखने को मिलता है। फिल्म अपने ड्रामा के नाम पर माल बेचती है और कामयाब भी हो जाती है। यदि आपको ड्रामा टाइप का क्राइम थ्रिलर तलाश बीन उसका बाद इन्वेस्टिगेशन टाइप का फिल्म देखना है तो डेफिनेटली ये फिल्म आपको पसंद आएगी, इंजॉय करेंगे फिल्म को देखकर। तो गाइस इस फिल्म को लेकर मैं फाइनल वर्डिक्ट है, यदि आपको स्लो पेस क्राइम थ्रिलर मूवी देखना पसंद है तो आप इस फिल्म को देख सकते हैं, इंजॉय करेंगे, फिल्म अच्छा है। और एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, फैमिली के साथ भी देख सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।